नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। शाहबाद महोत्सव जो कि जगदीशपुर में होने वाला है, उसका आगाज आज सफ़र ए शाहबाद के नाम से कर दिया गया है। आज सासाराम में शेर शाह मकबरा के गेट से झंडी दिखाकर सफ़र ए शाहबाद का शुरुआत किया गया। हम जानेंगे अखिलेश जी से, जो कि शाहबाद महोत्सव के आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, कि सफ़र ए शाहबाद क्या है और इस पूरे शाहबाद के झंडी दिखाने का जो समय था, उसमें उनके हाथों में एक मिट्टी का कलश था, तो क्या है उस मिट्टी के कलश का मायना, ये सारा चीज़ हम उनसे जानेंगे। शाहबाद महोत्सव का आगाज सफ़र ए शाहबाद से किया गया, क्या है ये सफ़र ए शाहबाद? सफ़र ए शाहबाद है जो शाहबाद महोत्सव द्वारा यहाँ के जो गौरवशाली इतिहास रहा है, एक ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक जो विरासत रही है, उसको याद करते हुए एक शाहबाद में टूरिज्म सर्किट स्थापित करने का एक योजना है। सरकार से यही डिमांड है कि एक शाहबाद के लिए टूरिज्म सर्किट बनाया जाए, जो शाहबाद के चारों जिला रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर को जोड़ते हुए यहाँ के जो भी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, वो टूरिस्टों को ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको विकसित किया जाए। सफ़र ए शाहबाद के आगाज के साथ ही आप लोगों के हाथ में एक मिट्टी का कलश दिख रहा था, उसका क्या मायना है? देखिए, वो मिट्टी का कलश जो है, किसी भी व्यक्ति के मातृभूमि को ऐतिहासिक बनाने में और उसके अपनी विरासत को संजोए रखने में, सुरक्षित रखने में बड़ी योगदान वहाँ के लोगों की होती है। तो वो शाहबाद के जितने भी जगह हैं, महत्वपूर्ण जगह, जो शेर शाह मकबरा शुरू हुआ, माँ तारा चंडी गया, तुतला भवानी जाएगा, रोहतासगढ़ किला जाएगा, मुंडेश्वरी धाम जाएगा, वीर कुंवर सिंह की धरती जाएगा आपको जगदीशपुर में, और भगवान राम ने जहाँ शस्त्र और शास्त्र का शिक्षा लिया है वहाँ जाएगा बक्सर में, सारे जगह को मिट्टी को कलेक्ट करके और एक जगह यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो हमारे वीर जवानों ने शहादत दी है, आपको कुंवर सिंह से लेकर के और सारे लोगों ने जो शहादत दिया है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और देश की आज़ादी के लिए, उनके लिए एक स्मारक स्थल बनाने की योजना है, जो सेना के ज़मीन में बनेगा। सेना से उसके लिए बातचीत हो रही है अधिकारियों से, और वहाँ एक बना करके स्थापित किया जाएगा, उनको याद में एक स्मारक बनाया जाएगा, वहीं उस मिट्टी को उस कलश का स्थापना किया जाएगा।